गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हमारा क्लास 12 फाइन आर्ट का चैप्टर नंबर 2, दैट इज द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। वी विल कवर द कंप्लीट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीयूईटी 2023 एज वेल एज बोर्ड्स 2024। सो जो टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे बट इट इज देयर इन योर सीयूईटी 2023 सिलेबस, वो भी मैं आपको बताते चलूंगी ताकि आप आसानी से उस टॉपिक्स को स्किप कर पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ। सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। सो पहले ओरिजिन देखते हैं। सो इन द 19th एंड 20th सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वेयर डिस्कवर्ड विच फर्दर एडेड अ ब्यूटीफुल पेजेस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग। सो इट वॉज अराउंड 19th एंड 20th सेंचुरी जब हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ पार्ट में कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स डिस्कवर की गई जिन्होंने फर्दर अपना रिकॉग्निशन और यू कैन से कि अपना इंपॉर्टेंस क्रिएट कर दिया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। मेटकैफ जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जो पहाड़ी पेंटिंग्स को डिस्कवर किए इन कांगड़ा। आफ्टर दैट 20th सेंचुरी में श्री आनंद कुमार स्वामी फर्दर डिस्कवर किए इन पेंटिंग्स को और उनके रिगार्डिंग इन्होंने इन पेंटिंग्स के रिगार्डिंग आर्टिकल्स लिखी। इट वॉज अबाउट 1716 जब पहाड़ी कलाम स्वामी जो थे वो पेंटिंग्स का डॉन देखे और यू कैन से सनराइज देखे या ओरिजिन देखे एट गुलेड। गुलेड में ही ओरिजिन क्यों हुआ, इसके कुछ रीजंस हो सकते थे। तो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता था कि गुलेड के जो किंग थे उनका कॉर्डियल रिलेशन था विद द मुगल एम्पायर्स इंक्लूडिंग जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सो इट माइट बी पॉसिबल कि जो गुलेर के आर्टिस्ट थे वो या तो मुगल एम्पायर मीन्स या तो दिल्ली चले गए हो या फिर मुगल एम्पायर के जो आर्टिस्ट थे वो गुलेर आ गए हो। सेकेंड रीज़न ये भी पॉसिबल है कि जब मुगल रूलर्स के द्वारा एन आर्टिस्ट को टर्न आउट कर दिया गया फ्रॉम दैट एम्पायर तो हो सकता है कि आर्टिस्ट इन सर्च ऑफ सेल्डर गुलेर को एज अ फर्स्ट एंड नियरलेस्ट प्लेस कंसिडर किए और वहाँ उन्होंने रहने का सोचा। तो ये रीज़न भी पॉसिबल है। नाउ अनदर किंग विच केम ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज राजा संसार चंद्र। राजा संसार चंद समहाउ मैनेज टू शो पावर अमॉन्ग द पहाड़ी किंग एंड राजा संसार चंद्र वॉज also a painting lover. So as a result the painters of a small state started reaching Kangra because they wanted to work under the patronage of a ruler who is also a painting lover. So thus reach there the Pahari and the Mughal painters and under kind patronage of Raja Sansar Chandra they created best and finest paintings of that time. The Mughals and Rajput painters who shot refuse here created a new Pahari style in fusion with local folk art. So Pahari school of painting is made from Rajasthani painting plus Mughal paintings plus local folk art. That makes up complete Pahari Kalam. So now let's discuss the development. Although the artists were under the patronage of the king but was not forced by the kings to draw subject matter chosen by them. Means that the artist was enjoying the freedom. He was free to make paintings of his or her choice. So the freedom is enjoyed by the artist and wonderful natural beauty around them awakened their soul. Okay, so it inspired them. जो भी जो बाहर की natural beauty थी उन्होंने उनको inspired किया कि वो lifeless मुगल style के जो old paintings हुआ करते थे क्योंकि मुगल rule उस time पे ख़त्म होने के कागार पे था। तो जो लाइफलेस मुगल स्टाइल का जो पेंटिंग का आइडियाज़ था उसको वो छोड़ दे और नेचर पे बेस्ड पेंटिंग बनाने लगे क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी उनको सराउंड करती थी वो उन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया एंड गिव अ न्यू एक्सप्रेशन टू देयर थीम्स। दे टेम्पर्ड प्रिमिटिज्म ऑफ बसोहली सॉफ्टनेस ऑफ गुलेर विथ फाइन ड्राॅइंग्स एंड मेलोअर कलर्स। सो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करके जो आर्टिस्ट थे वो पहाड़ी पेंटिंग्स बनाने लगे। फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। कलर्स के मेनली प्राइमरी कलर्स यूज़ होती थी पहाड़ी पेंटिंग्स में बट कुछ प्लेसेस में जैसे कि इन कांगड़ा पेंटिंग्स हम सम डिफरेंट कलर्स भी देखने को हमें मिलेगा। कलर्स को सिम्बॉलिकली यूज़ किया जाता था इन पहाड़ी पेंटिंग्स। ब्लू कलर जो था वो सिम्बल था ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड ऑल्सो मॉइस्चर लेडन क्लाउड को या फिर रेनी सीजन को जब हम बनाते थे पेंटिंग्स में तो उसको बनाने के लिए ब्लू कलर का यूज़ करते थे। सिमिलरली रेड कलर रिप्रेजेंट करता था गॉड ऑफ लव। द मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड येलो एंड रेड एंड ब्लू इज सिंपली चार्मिंग।
इन गीता गोविंदा येलो रेड ब्लू ग्रे ब्राउन कलर्स इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर इज़ अनदर स्पेशलिटी विच हैज़ बिन यूटिलाइज फॉर डेकोरेशन ऑफ सारीज ज्वेल्स ऑर्नामेंट्स द मून लाइट हैज़ ऑल्सो बिन सोन बाई सिल्वर कलर सो अगर आपसे मोस्ट डोमिनेटिंग कलर पूछे तो ज़्यादातर जो पहाड़ी पेंटिंग्स का स्पेशलिटी था वो गोल्ड और सिल्वर कलर का था फीचर था ह्यूमन फिगर्स ह्यूमन फिगर्स चाहे कोई भी पहाड़ी स्कूल का सब स्कूल हो उन सब में ह्यूमन फिगर्स को बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया है बट मोस्ट इम्प्रेसिव फिगर जो था वो वुमेन का फिगर था फीमेल्स जो थी उनको स्लिम बनाया गया उनके आईज़ को बोस के शेप में दिखाया गया आग शेप में दिखाया गया जो धनुष पेंटर डिड नॉट फेल्ड इन क्रिएटिंग द ट्रेडिशनल आइडियाज़ इन द पेंटिंग वुमेन्स हैव बिन ब्यूटिफुली डिपिक्टेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स वुमेन्स को अलग अलग तरीके के डिफरेंट ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑर्नामेंट्स में दिखाया गया है नाउ नेक्स्ट फीचर इज गारमेंट फीमेल फिगर्स आर सोन वियरिंग लहंगा चोली विद ट्रांसपेरेंट ओढ़नी इन ऑलमोस्ट ऑल सब स्कूल जितने भी पहाड़ी स्कूल के सब स्कूल्स हैं सब में फीमेल फिगर्स को लहंगा चोली और ट्रांसपेरेंट ओढ़नी में दिखाया गया है मेल फिगर्स को पेंटिंग में बियरिंग अंगरखा पजामास और उनके हेड पे टर्बन्स होता था और जो मुगल इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिला है हमें फिगर्स के गारमेंट में ठीक है जो गारमेंट वो लोग पहनते थे उसमें मुगल टच था पहाड़ी पेंटिंग्स में लॉर्ड कृष्णा को पीताम्बर में देखा गया पीताम्बर क्या था तो जो लोअर पार्ट में जो कृष्णा येलो कलर की धोती पहने रहते थे वही है पीताम्बर ठीक है तो कृष्णा को पहाड़ी पेंटिंग्स में पीताम्बर में ही देखा गया था एंड वी ऑल्सो फाइंड फिगर्स वियरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स फिगर्स अलग अलग तरीके के गारमेंट्स में पहने हुए भी दिखे पहाड़ी पेंटिंग्स में फीचर इज लाइवली डिपिक्शन ऑफ लैंडस्केप्स सो ट्रीज क्लाउड्स वाटरफॉल्स हैव बीन डिपिक्टेड फुल ऑफ चार्म इन पहाड़ी स्कूल ऐसा दिखाया गया पेंटिंग्स में कि ट्रीज क्लाउड वाटरफॉल्स जितने भी है वो चार्मिंग एज वेल एज एकदम नेचुरल दिखे ऑल द फोर सीजन्स हैव बीन ब्यूटिफुली डिपिक्टेड इन द पेंटिंग्स स्काई को दिखाया गया है फुल ऑफ क्लाउड्स एंड ब्लू कलर यूज किया गया था Now next feature is lively depiction of birds and animals का भी lively depiction काफ़ी beautifully किया गया है In all the themes like Raga and Raginis, Nayak, Naika, Veda and the depiction of birds and animals added life to the atmosphere तो जो atmosphere create किया गया उसमें birds animals दिखाया गया जो कि उस painting में जान डाल दी है Another feature was linear beauty So main characteristic of पहाड़ी painting is linear beauty A gentle-like expression of ideas is the speciality of this place. Rhythm and smoothness have also been added to the figures through fine lines. Fine lines have been used in drawing of eyes that looks very beautiful in these paintings. Now, next feature is use of borders. In some paintings of Pahari school, we find ornamental borders of Mughal school style. In some sub-schools, simple red-yellow border is used. So, कुछ पहाड़ी पेंटिंग्स में आपको मुगल स्टाइल का ऑर्नामेंटल बॉर्डर देखने को मिलेगा जबकि कुछ सब स्कूल्स जो हैं पहाड़ी स्कूल के उसमें आपको सिंपली रेड येलो कलर का बॉर्डर देखने को मिलेगा नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर इज आर्किटेक्चरल डेकोरेशन सो देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैव बीन यूज्ड इन पहाड़ी पेंटिंग्स जो पेंटिंग्स हैं उसमें आपको डेकोरेटेड गेट्स कार्व्ड वुडन पिलर्स देखने को मिलेंगे विंडोज़ देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया या फिर जो आपको पैलेस का सीन्स देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली आपको डेकोरेटेड या डिपिक्टेड दिखेगा लेट्स डिस्कस अबाउट द पेंटिंग्स ऑफ पहाड़ी स्कूल तो फॉर बोर्ड्स आपको कृष्णा विद गोपीज जो कि ये पेंटिंग है एज वेल एज नंद यशोदा कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन ये वाली पेंटिंग पढ़नी है और सीयूईटी में इन पेंटिंग्स के अलावा कुछ और पेंटिंग्स भी ऐड की गई हैं नेक्स्ट पेंटिंग है हमारा कृष्णा विद गोपीज सो यू विल राइट टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग इज कृष्णा विद गोपीज मीडियम इज वाटर कलर ऑन पेपर आर्टिस्ट मनाकू टाइम पीरियड इन विच द पेंटिंग वॉज मेड वॉज 1730 AD कलेक्शन इस पेंटिंग का अवेलेबल है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली कृष्णा विद गोपीज का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सो इन दिस पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज ये पेंटिंग जो है ये बेस्ट है जयदेव के गीता गोविंदा पे और पेंट किया गया है वाई फेमस पेंटर मनाको और ऐसा सपोज किया जाता है कि ये मालिनी के एक प्राइवेट पैट्रॉन मालिनी के लिए ये पेंटिंग पेंट किया गया था
और किसने पेंट किया था, तो मनाकू ने। पेंटिंग प्रेजेंट करता है कृष्णा जो कि गोपी से घिरे हुए हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। द कंपोजिशन इज टिपिकल बसोहली स्टाइल विद ज्योमेट्रिकल पैटर्न। पैटर्न जो आपको है वो ज्योमेट्रिकल दिखेगा, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड में इसके ट्रीज भी देखोगे तो उनके लीव्स डिफरेंट आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स के दिखेंगे या पैटर्न्स आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे। The use of bold colors infuse vitality in the paintings. Bold colors use की गई है। कृष्णा इसमें आपको पीताम्बर में देखने को मिलेंगे, ब्राइट येलो कलर का धोती, बट उनका अपर पार्ट जो है वो नेक्ड है बट ऑर्नामेंटेड है। वो क्राउन पहने हुए हैं विथ ज्वेल्स और पिकॉक का प्लम्स भी लगा हुआ है उस क्राउन में। यहाँ पे इस पेंटिंग में कोई भी पर्सपेक्टिव का यूज़ नहीं किया गया है, बट कलर कॉम्बिनेशन विथ गोल्डन बैकग्राउंड जो है वो सफिशियंट डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है इस पेंटिंग को। क्लैरिटी ऑफ डिज़ाइंस, लाइंस एंड इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग इज अचीव्ड बाय द यूज़ ऑफ कलर्स लाइक गोल्डन, येलो, वर्मिलियन मिक्स्ड विथ कलर टोन्स ऑफ ब्लू ग्रीन, इन्हेंसिंग द फीलिंग ऑफ इंटेंसिटी एंड ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। सो बेसिकली इस लाइन्स में वही आपको बताया गया कौन कौन से कलर्स यूज़ किए गए हैं और कौन कौन सा कलर्स जो है वो इस पेंटिंग को इन्हेंस कर रहा है, इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, कैसे इसकी ब्यूटी को रेक्टिफाई कर रहा है, यही सब आपको इन लाइन्स में देखने को मिलेगा। इस पेंटिंग में जितने भी ह्यूमन फिगर है सबका फोरहेड बैकवर्ड स्लोपिंग है, लार्ज लोटस लाइक आईज है, हाई नोज है और फोरहेड भी सेम लाइन में है। बॉडीज को काफ़ी आइडियलिस्टिक सिमेट्री के साथ दिखाया गया है। गोपीज के फिगर को लीनियंट डिस्टिंक्शन दिया गया है। साइनिंग एमरल्ड इन द ऑर्नामेंट्स, पीस ऑफ जो बिटल विंग्स थी वो भी यूज़ की गई है फॉर द इल्यूस्ट्रेशन ऑफ ज्वेल्स। बोल्ड कलर्स जो थे वो यूज़ किए गए हैं और जो वुमेन का फिगर्स है उसको रिच कॉस्ट्यूम, स्टाइलिक फेस, बल्गिंग आई, यूनिक इंडिविजुअलिटी दी गई है इस पेंटिंग में, बिकॉज पहाड़ी पेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक ही हुआ करता था फिगर्स ऑफ वुमेन्स। और जो होल ग्रुप का एक्सप्रेशन है वो रिथमिक डांसिंग पैटर्न में दिखाया गया है। स्मॉल श्रब्स भी हैं फ्रंट में और नेचुरल स्टेज लाइक सेटिंग ऑफ द ग्रुप। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग ड्रॉन बाय मनाकू एक्सप्रेशिंग द ब्यूटी एंड ब्रिलियंस ऑफ बसोहली स्टाइल। और ये जो पेंटिंग है हमारा कृष्णा विद गोपीज, ये मनाकू का वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है, फाइनेस्ट पेंटिंग है। और ये पेंटिंग जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है ब्यूटी और ब्रिलियंस ऑफ बसोहली स्टाइल। आपको राइट साइड में राधा देखेंगे विथ वन ऑफ हर असिस्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई एक अटेंडेंट है जो कि अम्ब्रेला लेके राधा के पास खड़ी है वहाँ पे। और बैकग्राउंड में जो आप ट्रीज देख रहे हो, आपको कोई भी ट्री का पैटर्न सेम नहीं दिखेगा, डिफरेंट पैटर्न ऑफ लीव्स उसमें प्रेजेंट है। राधा ने इसमें अपना हैंड फोल्ड कर रखा है वहाँ पे, आप देख सकते हो। और उनकी जो अटेंडेंट है वो उनके ऊपर अम्ब्रेला लेके खड़ी है। गोपीज फर्दर ट्राई करती हुई दिख रही है इन ऑर्डर टू इम्प्रेस लॉर्ड कृष्णा। नाउ नेक्स्ट पेंटिंग हमारा नंद, यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग इज नंद, यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन। आर्टिस्ट इज नयन सुख। पीरियड इज 1785 टू 1980। मीडियम इज वाटर कलर ऑन पेपर एंड कलेक्शन इज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। जो मिनिएचर पेंटिंग है हमारा वो एक मास्टरपीस है विद इट्स विजुअली अट्रैक्टिव ब्यूटी। ये जो पेंटिंग है हमारा बेस्ड है एक एपिसोड पे फ्रॉम भागवत पुराण, कृष्णा विथ हिज फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स मीन्स जो उनके ओरिजिनल पेरेंट्स नहीं हो, मीन्स बर्थ नहीं दिया और नाम के मुंह बोले पेरेंट्स हो, ठीक है, जिन्होंने गोद लिया हो, यू कैन से। सो नंद और यशोदा कृष्णा के फोस्टर पेरेंट्स थे उनके साथ। एंड हिज ब्रदर बलराम विथ रिलेटिव्स एंड विलेजर्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम गोकुल टू वृंदावन। वो लोग गोकुल से वृंदावन जा रहे हैं। और यही इस पेंटिंग में, इसी सीन के ऊपर इस पेंटिंग को बनाया गया है। नंद, यशोदा, कृष्णा, बलराम अलोंग विद किंसमैन जो विलेजर्स हैं आर स्टैंडिंग ऑन ग्रासी लैंड ऑफ द बैंक ऑफ रिवर यमुना। वो लोग रिवर यमुना के बैंक पे खड़े हैं, किनारे खड़े हैं ऑन द ग्रासी लैंड। थ्री मेल फिगर्स जो है वो शो किया गया है जो कि स्विमिंग कर रहे हैं। इन द मिडिल ऑफ द कंपोजिशन, इस पूरे पेंटिंग के मिडिल वाले एरिया में लॉर्ड कृष्णा जो है वो अपना राइट हैंड रेस किए हुए हैं अपवर्ड और वो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द गोल्डन वृंदावन। द हेवनली गोल्डन सिटी ऑफ वृंदावन इज सोन पियरिंग थ्रू द
masses of white and grey colored cloud. जो वृंदावन है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है पेंटिंग में, पेंटिंग के अपवर्ड साइड में वाइट और ग्रे कलर के बादलों के पीछे छुपा हुआ सा. बलराम जो है वो भी अपना लेफ्ट हैंड उठा के पॉइंट कर रहे हैं टूवर्ड्स वृंदावन. नंद, यशोदा एंड द किंग्स मैन लुकिंग अपवर्ड वेरी अर्नेस्टली. मीन्स वो लोग बहुत ज़्यादा इगर है कि कब हम लोग वृंदावन पहुँचेंगे. उनके एक्सप्रेशन से ये देखने को हमें फील हो रहा है. कृष्णा हैज़ बिन सोन एज अ हैंडसम यूथ वियरिंग पिताम्बर. पिताम्बर येलो कलर का जो धोती होता है, जब उसमें कृष्णा को देखने को हमें मिल रहा है. उनके गले के अराउंड एक वाइट गार्लेंड फूलों की माला है वाइट कलर की, गोल्डन टियारा. टियारा क्या है तो क्राउन है जिसमें कि पिकॉक का जो फेदर है वो लगा हुआ है. अपर पार्ट ऑफ द बॉडी उनका बेयर है बट वो ऑर्नामेंटेड है. बलराम उन्होंने भी गोल्डन टियारा पहन रखा है. क्लैड इन ब्लू धोती, बलराम की धोती ब्लू कलर की है. अपर पार्ट वो जो है वो सेमी क्लोथ्ड है. बोथ आर वियरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड ज्वेलरी. कि जितने भी अलग फिगर्स हैं वो लोग स्ट्राइप शॉर्ट्स पहने हुए हैं और उन्होंने अपने सर को डिफरेंट कलर के टर्बन से कवर कर रखा है, या कैसे डिफरेंट कलर के क्लॉथ से कवर कर रखा है. राइट साइड पेंटिंग के राइट साइड में हमें ट्विस्टेड ट्रीज दिख रही है, घुमा हुआ जिसको कि हम लोग बोलते हैं, या फिर ट्वेडलिंग क्रीपर्स दिख रहे हैं लतरे हुए हमें. और हमें लीव्स जो है वो डिफरेंट पैटर्न में और डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन का यूज़ करके लीव्स को बनाया गया है. लेफ्ट साइड में हमें दो बर्ड दिख रही हैं जो कि डार्क ब्राउन कलर के ट्री ट्रंक पे बैठी हुई है. द क्वाइटी फ्लोइंग रिवर यमुना, बह रहे यमुना रिवर को भी दिखाया गया है. उसके पानी को डीप ब्लू कलर से दिखाया गया है और जो वेव्स का जो मोशन होता है वो हमें वाइट फोम की तरह उसमें वाइट का हल्का सा सेट करके दिखाया गया है. लाइट ब्लू कलर का स्काई दिखाया गया है. मैसिव क्लाउड्स दिखाए गए हैं. और जो पेंटिंग होती है लैंड और ब्यूटी की, वो हमें ये जो पेंटिंग है इम्पार्ट कर रही है. ग्रीन कलर्स शेड्स जो भी यूज़ किया गया है इस पेंटिंग को काफ़ी चार्म प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी एलिगेंट लुक दे रहा है. नाउ दीज आर सम ऑफ द पेंटिंग्स जो कि सीयूटी के सिलेबस में ऐड की गई है. दैट इज़ वन फोलियो ऑफ रामायणा जो कि आपका बसोली स्कूल से होना चाहिए और आपको अर्ली फेज से लेना है, ठीक है, रामायण के अर्ली फेज से. नेक्स्ट आपको वन फोलियो दिखाना है ऑफ गीता गोविंदा ऑफ जयदेव बाई मनाको और वो गुलेर सब स्कूल से होना चाहिए. उसके बाद या तो आप कोई कृष्ण का लीला बताओ या फिर भागवत पुराण का बताओ और सब स्कूल आपको कांगड़ा रखना है और वो बना होना चाहिए बाई नयन सुख. नेक्स्ट आपको वन पेंटिंग बतानी है ऑफ नायक नायिका या फिर आप बारहमासा या फिर रागमाला से भी दिखा सकते हो और आपको सब स्कूल उसमें गुलेर कांगड़ा रखना है, ठीक है. सो ये कुछ पेंटिंग्स ऐड की गई है. सो लेट्स सी वन बाय वन. इसमें आपको क्लियरली मेंशन था कि आपको संगरी रामायण का दिखाना है, मीन्स अर्ली फेज ऑफ रामायण का कोई पेंटिंग उस पर बेस दिखाना है. एंड क्लियरली मेंशन था कि वो पेंटिंग आपका बसोली स्टाइल पे बेस होना चाहिए. सो आई हैव फाउंड वन पेंटिंग फॉर यू. ये पेंटिंग आप जो देख रहे हो इसमें आपको देखने को मिलेगा. द टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग इज रामा गिब्स पोजेशन. सो जब राम जी को पता चला कि उनका वो वनवास के लिए उनको जाना पड़ेगा अयोध्या छोड़ के 14 साल के लिए, तो वो अलॉन्ग विथ हिज वाइफ और ब्रदर लक्ष्मण के साथ जाने लगे, ठीक है. ये पूरे पेंटिंग में आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो अपने जितने भी उनकी बिलोंगिंग्स थी वो चीज़ें ये शॉप सौंप के और जा रहे हैं, ठीक है. तो जितना भी क्राउड था, जितने भी कैटल्स थे, जो भी राम जी से उनको जिसको भी बहुत ज़्यादा लगाव था क्योंकि राम जी को सब बहुत मानते थे अयोध्या में, तो सब गैदर हो गए थे क्योंकि राम जी वनवास के लिए जा रहे थे. अपने सारे बिलोंगिंग्स या फिर जो भी चीज़ उनके पास थी ज्वेलरी, ये सारे चीज़ छोड़ के वो वनवास काटने के लिए जा रहे थे. सो बेसिकली इस पेंटिंग में वही सीन आपको देखने को मिलेगा. इसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि जो ट्रीज़ है वो आपको देखने को मिल रही हैं, या फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे पीपल्स क्राउड देखने को मिल रहा है. यहाँ पे आपको फ्रंट में ब्राह्मण्स भी देखने को मिलेंगे. ट्रीज़ जो है वो भी डिफरेंट पैटर्न्स में बने हुए देखने को मिलेंगे. यहाँ पे आपको सीता जी भी देखने को मिलेंगी जिन्होंने ओढ़नी दुपट्टा और ये घांगड़ा पहन रखा है. और यहाँ पे आपको लक्ष्मण और राम जी भी दिखेंगे. राम जी आपको इसमें ब्लू कलर से बने हुए दिखेंगे एंड रात जो इसमें सीता जी है वो काफ़ी वाइट, इसमें फेयर लुक उनका आ रहा है. कैटल्स भी है बहुत सारे, आपको यहाँ पे काउज और डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलेंगे. पेंटिंग में बेसिकली प्राइमरी कलर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि ब्राइट कलर्स यूज़ किया गया है. येल्लो और ऑरेंज कलर्स इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. जो इसका बॉर्डर है वो रेड कलर में बना है, लाइट ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा. उसके बाद फिगर कुछ ब्राह्मण्स फिगर्स ने यहाँ पे धोती पहन
रखा होगा आपको दिखेगा, अपर बॉडी पार्ट नेक्ड है, बट सभी का अगर आप देखोगे तो सब ऑर्नामेंटेड आपको दिखेंगे। पेंटिंग इज कृष्णा एम्बेरसिंग गोपीज, इसमें सब स्कूल गुलेर है और ये जयदेव के गीता गोविंदा पे बेस्ड है, ठीक है। सो ये पेंटिंग में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, माउंटेन्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ट्री दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको रिवर यमुना दिख रहा होगा और ट्रीज़ में यहाँ पे आपको फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के आपको लीव्स देखने को मिलेंगे, इवन ग्रासी लैंड भी आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे श्रब्स या फिर छोटे छोटे ग्रासेस या प्लांट्स फ्लावर के वो भी आपको देखने को मिलेंगे ग्राउंड में, और यहाँ पर रिवर के फ्लो को भी दिखाया गया है और ग्रीन के बहुत सारे सीड्स का यहाँ पे यूज़ किया गया। मीन्स इस पेंटिंग में अगर आप डोमिनेटिंग कलर बोलो तो वो ग्रीन है, ठीक है। पेंटिंग में आपको लॉर्ड कृष्णा जो है वो पीताम्बर में देख रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने पीताम्बर मीन्स येलो कलर की धोती पहन रखी है, इवन उन्होंने शॉल टाइप का येलो कलर का कैरी कर रखा है और जितनी भी गोपीज़ है वो उनको इनसर्कल करके खड़ी है, ठीक है। ये पेंटिंग हमें डिपिक्ट कर रहा है द हैप्पीनेस, द लव, द अफेक्शन बिटवीन कृष्णा एंड गोपीज़। यहाँ पे आप देखोगे कि एक दूसरे को इनसर्कल करके खड़े हैं एंड ऑल आर जस्ट एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड कृष्णा इज एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ गोपीज। ड्रेस की बात रही तो यहाँ पे आपको जितनी भी गोपीज है वो घाघरा चोली ओढ़नी में दिखेगी, जितने भी गोपीज हैं उन्होंने अलग अलग कलर के स्कर्ट्स दुपट्टे पहन रखे हैं, किसी का भी आपको मैचिंग नहीं देख रहा होगा। यहाँ पे जो कृष्णा है वो अपने सर पे टियारा पहने हुए हैं जो कि आपको क्लियरली विजिबल होगा, कृष्णा को यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया गया है और जो भी गोपीज हैं वो गोपीज ने अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, इवन ऑल द फिगर्स आर ऑर्नामेंटेड। इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट सिमेट्रिकल पैटर्न्स को यूज़ किया गया है कि सफिशियंट डेप्थ और इंटेंसिटी इस पेंटिंग में देखने को मिलेगी कि कहाँ तक ग्राउंड है, कैसे फिर माउंटेन है, उसके स्लोप्स, तो इसमें पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छे से हमें देखने को मिल रहा है। स्काई इज ऑल्सो विजिबल, अगर आप ऊपर की ओर देखो तो आपको स्काई भी दिखेगा, हल्का सा ब्लू आप बोल सकते हो या फिर व्हाइटिश कलर में आपको यहाँ पे स्काई देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट पेंटिंग में आपको कृष्ण जी का लीला दिखाना है, तो ये पेंटिंग जो है इसमें आपको सब स्कूल रखना है कांगड़ा स्टाइल और पेंटर होने चाहिए नयनसुख। सो दिस इज द पेंटिंग, इसमें आपको लॉर्ड कृष्णा दिख रहे होंगे हु इज फाइटिंग विद कालिया नाग। सो ये स्टोरी ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि यमुना रिवर में एक बार कालिया नाग रहने लगा था, जिस वजह से जो वाटर वहाँ का हुआ करता था, जितने भी वहाँ के विलेजर्स थे वो उस पानी को पीना बंद कर दिए थे, कैटल्स उससे मरने लगे थे क्योंकि वो पानी कालिया नाग के होने से बिसैला हो गया था। सो इन ऑर्डर टू सेव दैट क्रिस जी ने एक लीला की, वंस वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो थे वो बॉल खेल रहे थे और जानबूझ के उन्होंने बॉल जो था वो पानी में फेंक दिया, ताकि क्योंकि वो चाहते थे कि वो कालिया नाग वहाँ से चला जाए। तो एज सबको पता था कि उस पानी के अंदर कालिया नाग रहता है, तो कोई भी उस पानी के अंदर बॉल लाने के लिए नहीं जाना चाहता था, बट वांटेडली लॉर्ड कृष्णा उस पानी के अंदर गए। तो यहाँ पे इस पेंटिंग में आपको फीमेल फिगर्स भी देखने को मिलेंगी, सो फीमेल फिगर्स जो है वो कालिया नाग की वाइफ है। सो जैसे ही लॉर्ड कृष्ण पानी के अंदर गए तो वो जो उनकी पत्नी थी कालिया नाग की, वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि आप वापस चले जाइए क्योंकि अभी उनके पति जो कालिया नाग है वो सो रहे हैं, अगर वो उठेंगे तो वो तुमको मार डालेंगे। बट रिक्वेस्ट के बाद भी कृष्ण जी नहीं माने क्योंकि वो तो उन कालिया को भगाने के मोटिवेशन से ही गए हुए थे। सो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करती हुई उन फीमेल फिगर्स देख रही होंगी लॉर्ड कृष्णा से। सो ये सब शोरगुल से जो कालिया नाग था वो उठ गया, ठीक है, और इन ऑर्डर टू वो चाहता था कि कालिया नाग की वो कृष्ण जी को मार के खा जाए, ठीक है। सो इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट हुई लॉर्ड कृष्णा के बीच और कालिया नाग के बीच, और कृष्ण जी जो थे उस कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े होकर डांस करने लगे, बट फिर भी ये जो कालिया नाग था लॉर्ड कृष्ण को डिफीट नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा थक गया और उसने माफ़ी मांग ली लॉर्ड कृष्ण से। तो कृष्ण जी ने बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो वो बोला कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं ओरिजिनली जहाँ से आया हूँ वहाँ पे कोई ईगल रहता है जो कि मुझे खा जाएगा। सो कृष्ण जी बोले कि नहीं, मेरे पैरों का निशान तुम्हारे फन के ऊपर है, वो देख के तुमको कोई कुछ नुकसान नहीं करेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। सो बाद में ये एक्सेप्ट कर लेता है कालिया नाग और अपनी वाइफ के साथ कृष्ण जी को बाहर निकाल देता है और वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है। सो दिस वॉज द होल स्टोरी, वही ये पेंटिंग डिपिक कर रहा है। तो इस पेंटिंग में आपको फीमेल फिगर्स दिख रही होंगी फोर, जो कि स्नेक
ही हैं क्योंकि वो एक स्नेक की वाइफ है। और यहाँ पे कालिया नागापो ब्लैक कलर में दिख रहा होगा और उसका इनर पार्ट व्हाइट कलर। अगेन आपको लॉर्ड कृष्णा इसमें ब्लू कलर में बने हुए हैं और उन्होंने पीताम्बर मीन्स येलो कलर की धोती पहन रखी है। उनका फिगर जो है वो अपर नेक्ड है बट ऑर्नामेंटेड है। यहाँ पे आपको फ्लावर्स भी देखने को मिल रहे होंगे पिंक कलर के, और जो रिवर का फ्लो है वो भी काफ़ी सही तरीके से दिखाया गया है, जो कि सफिशियंट डेप्थ और इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। जो ग्राउंड है वो ग्रीन कलर का बनाया गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्रीन कलर यूज़ किए गए हैं बिकॉज यहाँ पे ट्री दिखाया गया है, ब्रांचेस दिखाया गया है, ग्राउंड दिखाया गया है और छोटे छोटे से पहाड़ टाइप के ग्राउंड्स दिखाए गए हैं। बगल में आपको डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई गई है लीव्स की। यहाँ पे पर्सपेक्टिव का तो यूज़ नहीं है बट इस सिमेट्री से बनाया गया है कि वो सफिशिएंट पर्सपेक्टिव या फिर सफिशिएंट डेप्थ प्रोवाइड कर रही है। वेव्स का मोशन क्रिएट किया गया है। यहाँ पे आपको हाई हॉरिजन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्काई आपको देखने को मिलेगा लाइट ब्लू कलर के शेड्स में, और इवन उसमें कुछ कुछ व्हाइट कलर का शेड मिक्स करके बनाया गया है। माउंटेन के पीछे अपर पार्ट में आपको स्काई देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ क्लॉथ्स और जो टियारा है लॉर्ड कृष्णा का वो भी आपको ट्री ट्रंक पे यहाँ पे रखा हुआ दिखेगा इन द लेफ्ट कॉर्नर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेंटिंग। नाउ दिस इज अवर लास्ट पेंटिंग। इसमें हमें नायक नायिका को दिखाना था और हमें सब स्कूल गुलेरिया कांगड़ा में से कोई एक लेना था। तो नायक नायिका हमने राधा कृष्ण को ले लिया। दिस इज द पेंटिंग और ये हमारा कांगड़ा स्टाइल पे बेस्ड है। सो बेसिकली इस पेंटिंग में आपको राधा और कृष्णा दिखेंगे जो कि चौकी पे बैठे हुए हैं विच इज़ लो स्टूल, और दोनों एक अपने एक एक हाथ से मिरर को होल्ड किए हुए हैं एंड बोथ आर लुकिंग इन टू द मिरर। आपको फोरग्राउंड में फाउंटेन देखने को मिलेगा और दो आपको वुमेन दिखेंगी जो कि मेडिटेट कर रही है ऑन आइदर साइड, और आपको यहाँ पे लैंडस्केप्स भी देखने को मिलेगा बिहाइंड द पेंटिंग। अगर आप देखोगे तो आपको हील्स पॉन्ड्स क्लिप्स ये सब देखने को मिलेगा और क्लाउड भी आपको देखने को मिलेगा ब्लू स्काई में, जो कि डार्क और वाइट टोन्स को कलर को यूज़ करके बनाया गया। जो पॉन्ड है उसमें लोटस आपको देखने को मिलेगा। इस पेंटिंग में आपको बर्ड्स भी देखने को मिल रही होंगी, और जो लॉर्ड कृष्ण है वो टियारा पहने हुए हैं विद पीकॉक प्लम्स आपको देखने को मिलेगा। वो ऑर्नामेंटेड है, वाइट गार्लैंड उनके नेक के अराउंड है, और इसमें आपको मिरर वर्ल्ड का व्यू भी देखने को मिलेगा क्योंकि जो मटेरियल वर्ल्ड है जैसे कि लॉर्ड कृष्णा और राधा जो है वो मिरर में देख रहे हैं, तो मिरर इमेज जो है वो भी इस पेंटिंग में बना के दिखाया हुआ है। लॉर्ड कृष्णा का क्राउन काफ़ी ऑर्नामेंटेड है और जो कृष्णा का फिगर बना हुआ है पेंटिंग में वो लिटिल बिट थोड़ा सा बड़ा है इन कंपैरिजन टू राधा। और कृष्ण जी जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन में बने हुए हैं और राधा का टोन जो है वो लाइटर है। जो साधिका है वो मेडिटेशन में डूबी हुई है बट उसके बिहाइंड जो एक फीमेल फिगर बना हुआ है वो राधा और कृष्णा को विद प्लेफुल एक्सप्रेशन के साथ देख रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेंटिंग एंड नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।